एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज मैं 5 बजे लाइव आने वाली थी, मैंने कम्युनिटी में पोस्ट भी डाला था। आई नो आप लोग वेट भी कर रहे होंगे, लेकिन मैं लाइव आई थी 5 बजे, एग्जैक्ट 5 बजे मैं लाइव आ गई थी। लेकिन आई डोंट नो क्या इश्यू हो रहा था, नेटवर्क इश्यू था या पता नहीं क्या इश्यू था, क्योंकि मुझे कुछ भी शो नहीं कर रहा था। एंड मेरे सामने मेरी स्टूडेंट बैठी हुई थी एंड मैं अपने दूसरे मोबाइल से भी देख रही थी, कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला। पता नहीं कुछ सेटिंग में प्रॉब्लम है या कोई नेटवर्क इश्यू है, आई डोंट नो, क्योंकि यूट्यूब का हमेशा ना कुछ चेंज होता रहता है। तो हो सकता है कुछ चेंज हुआ हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, नेटवर्क इश्यू भी हो सकता, तो नहीं हो पाया लाइव। बट टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मैं आपके क्वेश्चन के आंसर देने वाली थी। तो आपने क्या करना है, आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जो भी क्वेश्चन करना है आप कर सकते हो। मैं ठीक 9 बजे एक वीडियो आपको मिलेगी, उस वीडियो में आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। आपके पास अभी ये वीडियो आपको लगभग 6 बजे तक मैं पब्लिश कर दूंगी। तो 6 बजे से लेकर 9 बजे तक 3 घंटा का टाइम है आपके पास, मतलब 9 बजे तक नहीं होगा, 8:30 बजे तक 2.5 घंटा का टाइम है। 2.5 घंटे में आपको जो भी क्वेश्चन करना है अबाउट मेंस्ट्रुअल कप, क्योंकि इसको लेके ही मैं आज डाउट क्लियर करने वाली थी आपको, तो अगर मैं थोड़ा सा बता दूंगी अभी, तो आपको कोई भी क्वेश्चन करने आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए क्वेश्चन। मैं सभी के क्वेश्चन के आंसर आपको 9 बजे की वीडियो में दूंगी। तो फटाफट से आप अगर बेल आइकन हिट नहीं किए हो तो सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन है उसको हिट करो, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। स्पेशली आज वाला वीडियो भी आप देख लेना, क्योंकि उस वीडियो में आपके कमेंट का आंसर होगा। एंड आप लोग मुझे बता देना आपका नाम मेंशन करना है कि नहीं करना है, अगर करना होगा तो बता दीजिएगा मेंशन करना, नहीं करना होगा तो बता दीजिएगा नहीं मेंशन करना, मैं नहीं मेंशन करूंगी। तो क्वेश्चन आपके जो भी हो फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता दो। और मेंस्ट्रुअल कप को लेके बहुत लोगों को डाउट है, मैंने यहाँ पर एवरटीन का मेंस्ट्रुअल कप लिया हुआ है, आप देख सकते हो, जो कि जिसकी MRP 450 रूपीज है एंड आप इसको 10 साल यूज कर सकते हो। एंड मैं इसको एक गिव अवे में भी देने वाली हूँ, किसको चाहिए मुझे जरूर बताना, कल वाली वीडियो जरूर शेयर करना। तो ये है मेंस्ट्रुअल कप, आप देख सकते हो मेंस्ट्रुअल कप, इसको लेके मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, 2 वीडियोज ऑलरेडी है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, वहां पर मैं डिटेल्स बताया, बट यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता दे रही हूँ। एंड मेंस्ट्रुअल कप को लेके ही #, फिक्सर पीरियड है ये, क्योंकि गर्ल्स के मतलब यू नो बहुत सारे लोग इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहते, बट मैं इस टॉपिक पर बात करना चाहती हूँ और आप लोगों को कुछ नॉलेज भी देना चाहती हूँ, ताकि आप लोगों को यू नो पैड लेने से जो भी प्रॉब्लम होती है, दिक्कतें होती है, वो ना हो, जैसा कि मैं पहले फेस करती थी और अब मैं फेस नहीं करती ऐसा कोई प्रॉब्लम। मेरी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, तो मैं चाहती हूँ कि आपकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो। इसको लेके बहुत ज्यादा क्वेश्चन होंगे आपके पास, तो कमेंट बॉक्स में जरूर क्वेश्चन करिए, 9 बजे आपके सारे क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दे दूंगी। तो सिंपली ये मेंस्ट्रुअल कप है, इसको अगर आप पैड की जगह यूज करते हो तो आपको पैड की तरह कहीं फेंकने की जरूरत नहीं होती, ये आप नॉर्मल फ्लश कर सकते हो। इसे लेने के बाद आपको फील भी नहीं होता कि आपने अपने बॉडी के अंदर कुछ भी लिया हुआ है, स्मेल वाली प्रॉब्लम नहीं आती। आप सभी गर्ल्स जानते हो स्मेल वाली प्रॉब्लम पैड में बहुत आती है। प्लस पैड को आप 5 से 6 घंटा रख सकते हो, लेकिन अगर आपका ब्लड फ्लो कम है तो आप इसको 12 घंटे तक भी रख सकते हो। अगर आपका फ्लो थोड़ा ज्यादा है तो आप 8 घंटा भी इसको रख सकते हो, इसमें काफी ब्लड फ्लो होता है। और मैंने ना एक वीडियो में डिफरेंस दिखाया हुआ है कि इसमें जितना ब्लड आ सकता है एक पैड में आने के बाद, पैड में लीकेज की प्रॉब्लम होती है, जो कि मेंस्ट्रुअल कप में लीकेज की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप पैड जब लेते हो तो आपको स्ट्रेट सोना पड़ता है, आप थोड़ा सा लेफ्ट होते हो फिर स्ट्रेट, फिर राइट होते हो फिर स्ट्रेट, आपको टेंशन होता है लीकेज का, बट मेंस्ट्रुअल कप में लीकेज की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। आपको सिंपली इस तरीके से फोल्ड करना पड़ता है, अपने वजाइनल एरिया में इन करना पड़ता है और ये पोर्शन बाहर रहता है। जब आपको लगे कि ये आपको भर गया है, इसके बाद आप सिंपली इसको फटाक से ऐसे करके खींच के निकाल सकते हो, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। हल्का सा, बहुत हल्का सा आपको पता चलेगा कि आपने कुछ निकाला, आपने कुछ डाला, बट अंदर जाने के बाद, बाहर आने के बाद कुछ पता ही नहीं चलता। और इसको अंदर आपकी बॉडी के अंदर जाने के बाद आपको फील भी नहीं होगा कि आप पीरियड में हो। इसको लेके आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हो, लाइक आप जिम जा सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो। पैड में तो बाय गॉड कभी पानी में नहीं जाना, वरना फिर समझ रहे हो ना पानी का हालत क्या होने वाला है। तो लेकिन आप मेंस्ट्रुअल कप लेकर जा सकते हो। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे, मतलब ऑफकोर्स मॉडल्स जो होती हैं उनको भी पीरियड आते हैं, बट अगर वो उनका जो ड्रेस होता है एकदम स्किन टच ड्रेस होता है,
मतलब स्किन टाइट ड्रेस होता है, तो उसमें आप लोगों ने कभी देखा है क्या कि उसमें पैंटी की लाइन आ रही है? ऐसा कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि मॉडल्स लोग भी मेंस्ट्रुअल कप यूज करते हैं पैड की जगह में। तो मैं रिकमेंड करूंगी आप एक बार इसको ट्राई करो। हर चीज पहली बार आप करते हो तो आपको टेंशन होता है, बट ये आप एक बार जब कर लोगे यूज ना, तो आपको फिर यही बेस्ट लगेगा। प्लस आपको 450 रुपीज का 10 साल इसको यूज कर सकते हो, इसको सैनिटाइज करके बार बार आप इसको यूज कर सकते हो। पैड को आप यूज नहीं कर सकते, वो यूज एंड थ्रो होता है, 5-6 घंटे के लिए रहता है, फिर आपको वो फेंक के दूसरा लेना पड़ता है। बट ये आप उसको वॉश कर करके यूज कर सकते हो, तो आपकी मनी की भी बचत हो रही है, प्लस आप थोड़ा हाइजीन भी रह रहे हो, मतलब आपको यहाँ वहां फेंकने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है, तो थोड़ा हमारा इन्वायरमेंट जो है वो भी थोड़ा सेफ रहता है, क्योंकि समझ ही रहे हो आप। तो इसलिए मैं बोलूंगी मेंस्ट्रुअल कप ट्राई करो। और मेरे कहने पे मेरे 2-3 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स ने मेंस्ट्रुअल कप यूज किया हुआ है, उन्होंने अपना फीडबैक शेयर किया है। देखना आप, मैंने पिन भी किया था, तो आप देखना, क्योंकि मैं अगर झूठ बोलूंगी लेकिन मेरे और सब्सक्राइबर तो झूठ नहीं बोलेंगे ना। आप खुद यूज करके मेरे साथ फीडबैक शेयर करना, एंड जिन्होंने फीडबैक शेयर किया थैंक यू सो मच, आपका फीडबैक सबके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। तो या तो फटाफट से आप कमेंट करके पूछ लो आपको क्या क्वेश्चन करने हैं, नहीं करने हैं, सॉरी करने ही ऑफकोर्स। उसके बाद में 9 बजे वाली वीडियो में आपके सारे क्वेश्चन के आंसर दे दूंगी, तो फटाफट से क्वेश्चन कर लीजिए, अब ज्यादा वक्त तो बचा नहीं है। तो मिलते हैं 9 बजे, और बेल आइकन हिट कर लीजिए ताकि 9 बजे वीडियो आते ही आपको पता चल जाए। तो अभी के लिए बाय, मिलते हैं ठीक 2.5 से 3 घंटे के बाद।